सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष एक नया अध्याय के साथ उपस्थित हुई हूँ। हिंदी साहित्य बुक में अध्याय संख्या 12 और इस अध्याय का नाम है दीवार से कॉफी। यह एक जापान की कथा है। आज हम लोग जानेंगे जापान की कथा के बारे में। जापान की एक कथा के बारे में। प्रतिध्वनि। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। दलाई लामा। इसका अर्थ है, यदि आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं, तो आप उसकी मदद जरूर कीजिए। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो अन्यथा कम से कम उसका नुकसान ना पहुंचाइए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो उसका बुरा भी मत कीजिए। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ? जापान टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा था जो अपनी खुशहाली जीवन व्यतीत करने में प्रसिद्ध था। वहां के सभी लोग खुशहाली पूर्वक रहते थे। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। किसी व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर यह कस्बा इतना खुशहाली जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है। बस उसी का कारण जानने के लिए सुबह सुबह उस कस्बे में वह व्यक्ति पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। क्या दिखाई दी? कॉफी शॉप। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहां बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूं। उस व्यक्ति ने जैसे ही कस्बे में गया, सबसे पहले उसे क्या नजर आया? एक कॉफी शॉप नजर आया। तो उस व्यक्ति ने सोचा, इस कॉफी शॉप पे मैं आराम से बैठकर चुपचाप से लोगों को देख सकता हूं। और फिर वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफी शॉप शहर के रेस्तरां की तरह ही थी। जैसे शहर में रेस्तरां होता है, उसी तरह कॉफी शॉप थी। पर वहां आने वाले लोगों का व्यवहार उसे कुछ अजीब लगा। लेकिन उस व्यक्ति को क्या, जो भी लोग वहां आ रहे थे, उन सभी का व्यवहार उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा। एक आदमी शॉप में आया और उसने दो कॉफी के पैसे देते हुए कहा। दो कप कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। एक व्यक्ति आया और उसने कितने कप कॉफी के पैसे दिए? दो कप कॉफी के लिए। और क्या कहा? एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। पर फिर भी उस आदमी को कॉफी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर एक कागज चिपका दिया। वेटर ने क्या किया? उस आदमी को एक कप कॉफी दिया और दीवार पर एक कागज चिपका दिया। उस कागज पे क्या लिखा था? जिस पर लिखा था
एक कप कॉफी। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस व्यक्ति के कि आखिर माजरा क्या है कि एक कप कॉफी दीवार पर। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूं और समझने की कोशिश करता हूं। वह आदमी सोचा, थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ इस कॉफी शॉप पर और सभी को समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहां आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उस व्यक्ति ने क्या देखा? एक गरीब मजदूर जिसके कपड़े फटे पुराने, कपड़े पहनने के लिए नहीं, फिर भी वो बहुत ही आत्मविश्वास से कहाँ कॉफी शॉप में घुसा और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी है? वो व्यक्ति सच ही सोच रहा था जिसको कपड़े पहनने के लिए नहीं है, फटे पुराने कपड़े पास में, और वो कॉफी शॉप पे जाए, क्या ये समझदारी है? तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। तभी वेटर ने क्या किया? मजदूर के पास गया ऑर्डर लेने के लिए। सर, आपका ऑर्डर प्लीज, वेटर बोला। वेटर ने क्या कहा? सर, आपका ऑर्डर प्लीज। दीवार से एक कप कॉफी, मजदूर ने जवाब दिया। दीवार से एक कप कॉफी। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए एक कप कॉफी दी और दीवार पर लगे ढेर सारे कागज, दीवार पे बहुत सारे कागज लगे थे जिसपे सब पे लिखा था एक कप कॉफी। तो वेटर ने क्या किया? उस गरीब मजदूर को बिना पैसे लिए एक कप कॉफी दी और दीवार पर लगे ढेर सारे कागज के टुकड़ों में से एक कप कॉफी लिखा एक टुकड़ा निकाल कर कूड़ेदान में फेंक दिया। क्या किया फिर उसने? उस गरीब मजदूर को एक कप कॉफी बिना पैसे लिए दे दिए और दीवार पर बहुत सारे ऐसे टुकड़े लिखे हुए थे, चिपके हुए थे, जिसपे लिखा हुआ था एक कप कॉफी। उसने ढेर सारे टुकड़ों में से एक टुकड़ा कागज का हटा दिया, निकाल कर क्या किया? कूड़ेदान में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ में आ गई। व्यक्ति को क्या था? अब सारी बात समझ में आ गई थी। कस्बे के लोगों को जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर, जहां इंसान जरूरतमंद के प्रति ऐसा रवैया रखेगा तो वो कस्बा खुशहाल तो होगा ही। देखकर वह भाव विभोर हो गया, यानी बहुत ही खुश हो गया। ऐसा रवैया तो सभी को रखना चाहिए कि खुद की तो सोचो और दूसरे की भी सोचो। उसे लगा, सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला। जिसके पास पैसे नहीं है कॉफी पीने के लिए, जो कपड़े फटे पुराने पहन रहा है और वो कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी रहा, तो कितना अच्छा मदद का तरीका था कि ये आप सब भी पी सकते हैं, जिनके पास नहीं है पैसे वो भी पी सकते हैं आराम से। तो वो व्यक्ति भाव विभोर हो गया। भाव विभोर का अर्थ है कि बहुत खुश हुआ, भाव से भरा हुआ, बहुत खुश हुआ। और उसे लगा, सचमुच
लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहां एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए, जहां एक गरीब मजदूर बिना आत्मसम्मान अपना कम किए एक अच्छी सी कॉफी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है, तो कोई उसकी मदद किया तभी ना वो इतना अच्छा आनंद ले पाया। नहीं तो गरीब मजदूर के पास कपड़े नहीं और वो कॉफी शॉप में जाएगा पीने के लिए कॉफी। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था। उस व्यक्ति को सारी बातें समझ में आ गई थी। वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था। इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट आया। खुशी खुशी वह अपने शहर वापस लौट आया कि कितना अच्छा रवैया है जापान का, एक मदद करने का तरीका। इसीलिए दलाई लामा ने कहा है, यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। किसने कहा है? दलाई लामा ने। अगर आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं तो आप उसकी मदद जरूर कीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो अन्यथा उसका बुरा भी नहीं कीजिए। जीवन मूल्य, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? हमें हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे हैं, हम गरीब की मदद करने में सक्षम हैं, तो हमें हमेशा गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। शब्दार्थ, खुशहाली, समृद्धि, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, लोकप्रिय, व्यवहार, व्यवहार मिस होता है चाल चलन, तरीका, या फिर हम लोग उसे रवैया भी कह सकते हैं। किसका व्यवहार बहुत अच्छा है, रवैया अच्छा है? जापान वालों का क्या था? व्यवहार अच्छा था, तभी तो सारे लोग खुशहाल थे। अगर हम लोग अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो सारे लोग खुशहाल रहेंगे। इसीलिए मनुष्य को अपना सबके प्रति व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, सबके प्रति अच्छा रवैया रखना चाहिए, चाल चलन। भाव विभोर, भाव से भरा हुआ, खुश, रवैया, आचरण, माजरा, मामला। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दीवार से कॉफी, एक जापान की कथा पढ़ी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यदि हम सक्षम हैं तो हम सभी की मदद करेंगे। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो अन्यथा हम उसका बुरा भी नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है दीवार से कॉफी। इस कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ें एवं कठिन शब्द और शब्दार्थ
लिखने का प्रयास करें। थैंक यू।